नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल टारवे तालुक में। पुनः एक बार मैं गौरव रंजन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में। और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सेशन जो है उससे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप लोगों में से कोई लिख रहा था, मुझे नाम तो नहीं याद कि सर पीडीएफ जरूर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा कन्फर्म रूप से, ठीक ना। चलिए तो बिना किसी देरी का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सोच समझ के अच्छे से आंसर देना है और पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर स्थित है या उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है। चार ऑप्शन है, चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है कि उत्तराखंड का इसमें से कौन सा शिखर जो है वो जो सबसे ऊंचा है या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। तो सही आंसर बताइएगा जल्दी से। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल। आपको सही आंसर मुझे बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा नंदा देवी। मैं आपको पढ़ा हूं नंदा देवी बृहद हिमालय पर है और यह उत्तराखंड में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। साइबेरियन सारस, अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप पढ़ाया और एशिया महाद्वीप में मैंने आपको रूस पढ़ाया। रूस का वह भाग जो एशिया में उसे साइबेरिया कहते हैं, और साइबेरिया में जो सारस पाए जाते हैं उन्हें साइबेरियन सारस कहते हैं। तो निम्नांकित राज्यों में से किसमें से साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो आपको इसका मुझे सही आंसर बताना है कहां पर है आदर्श दशाएं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, असम। असम, असम में जो असम में अभयारण्य मानस है, काजीरंगा है, तो मानस और काजीरंगा है वहां पर एक सिंह वाला गैंडे के साथ साथ साइबेरियन सारस के लिए भी आदर्श दशाएं पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का केवला देव पक्षी अभयारण्य, राजस्थान का केवला देव पक्षी अभयारण्य भी साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, तो सही राज्य कौन सा हो जाएगा इनमें से? सही राज्य हो जाएगा आपका असम। तो किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए सबसे अनुकूल प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं? तो आपको सही आंसर याद रखना है असम का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ जाते हैं। सुमेल नहीं है, एक साइड शहरों के नाम है, एक साइड नदी के नाम है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो एक ऐसा शहर इनमें से जो उस नदी पर स्थित नहीं है जो इसके सामने दी गई है। अहमदाबाद साबरमती नदी, हैदराबाद कृष्णा नदी, कोटा चंबल नदी और नासिक गोदावरी नदी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसमें से सही सुमेल कौन सा नहीं है, इनमें से सही सुमेल कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, अहमदाबाद तो साबरमती किनारे तो कन्फर्म है, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। पढ़ाया हूं मैं आपको, हैदराबाद शहर मूसी नदी किनारे है। तो हैदराबाद कृष्णा ना होके यहां पे क्या होना चाहिए? मूसी होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं, यानी सही सुमेल नहीं है। अगर देखा जाए तो सही आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद, यह है सही सुमेल नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, भारत में चीनी के प्रथम तीन अग्रणी उत्पादक हैं। चीनी कहां पर होती है भारत में, आपसे ही पूछा जा रहा है। चीनी के तीन महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम, जहां पर चीनी का सर्वाधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, ऐसे राज्यों के आपको नाम बताने हैं। हाँ, तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तीसरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। और डी है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर आपको पहला राज्य याद होगा कि चीनी सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पैदा की जा रही है, उत्पादित की जा रही है, महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ऑप्शन में मिल गया। अगर पहले पे महाराष्ट्र है तो दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और तीसरे पे तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पे, पहले उत्तर प्रदेश का एक नंबर था, अब दूसरे पर। पहले पे कौन सा पहुंच गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक के राज्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नांकित में से कहां आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं? आयनवर्ती वर्षा वनों के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि ऐसे वन जहां पर अधिकांश वर्षा होती है, यानी सदाबहार वनों की बात हो रही है। कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, हांगहो घाटी में, मारे डार्लिंग घाटी में। कांगो नदी कहां पर है? कांगो गणराज्य में है, अफ्रीका महाद्वीप में। गंगा नदी भारत में है, हांगो नदी चीन में है, मारे और डार्लिंग नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नांकित में से कहां पर आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वनों की बात हो रही है। हमने आपको कई बार बताया है कि सदाबहार वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। सदाबहार वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। और आपको हमने ये भी बताया कि वर्षा कहां पर अधिक होती है, तो वर्षा ऐसे स्थानों पर अधिक होती है जहां पर तापमान अधिक होता है। कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक तापमान होने के कारण वहां पर वर्षा की मात्रा भी ज्यादा है, क्योंकि तापमान का वर्षा की मात्रा से सीधा संबंध होता है। तो कांगो घाटी में आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाएंगे। आयनवर्ती वर्षा वन कहां पाए जाएंगे आपको? कांगो घाटी में। अगर रेखाओं की बात करें तो विषुवत रेखा के समीप पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? रेखाओं की बात करें तो विषुवत रेखा के समीप। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन 6, चक्रवात। चक्रवातों से संबंधित है क्वेश्चन, कह रहा है टॉर्नेडो चक्रवात। टॉर्नेडो चक्रवात कहां पर आते हैं? ठीक ना, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो पूछ रहे हैं टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहां पर? कैरेबियन सागर में, चीनी सागर में या चीन सागर में, अरब सागर में या श्याम, श्याम का मतलब काला सागर में। ठीक ना, तो देखिएगा कुछ चक्रवात हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे टोर्नेडो। पहला तो यही है, टोर्नेडो जो है वो आपका कैरेबियन सागर में है, कैरेबियन। उसके बाद है टाइफू, ये मैं समझाया हूं एक दिन आपको। टाइफू आपका जापान सागर। टाइफू नाम का चक्रवात कहां पर आता है? जापान। उसके बाद टाइफून नाम का चक्रवात कहां पर आता है? चीन सागर में। ठीक ना, उसके बाद चक्रवात हिंद महासागर में। चक्रवात कहां पर? हिंद महासागर। ठीक ना, तो इनको यार, उसका बिली भी होता है, एक आपका बिली है। और बिली कहां है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक ना, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो टोर्नेडो जो बहुत प्रबल चक्रवात होते हैं कहां पर आते हैं? कैरेबियन सागर में आते हैं। कहां पर आते हैं? तो टोर्नेडो जो बहुत प्रबल चक्रवात हैं ये आपके कैरेबियन सागर में आते हैं। तो आपको नाम याद रखना है कहां पर आते हैं? कैरेबियन सागर में। चलिए अगला देखा जाए, तो अगला पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन ए अटकामा, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी ये कालाहारी और ऑप्शन डी है थार। देखिएगा इन क्वेश्चनों को तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छे से मैं पाता हूं। बाबू अटकामा मरुस्थल आपका कहां है? दक्षिण अमेरिका में है। कोलोराडो कहां है? उत्तर अमेरिका में है। कालाहारी अफ्रीका में है। कालाहारी कहां पर है? अफ्रीका में है। और थार आपका कहां है? भारत में है। और भारत कहां पर है? तो भारत एशिया में है। तो अटकामा पूछ रहा है दक्षिण एशिया, तो ये अमेरिका में, ये गलत हो जाएगा। ए अमेरिका में, ए भी गलत हो जाएगा। ए अफ्रीका में, भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? थार। जो थार मरुस्थल वो भारत में है। और अच्छे से याद करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया कि भारत दक्षिण एशिया का देश है और दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनको सम्मिलित रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं या दक्षेस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि 8 देशों और 8 देशों ने मिलकर अपना एक संघ बना लिया, उसी संघ को नाम दे दिया गया दक्षेस यानी सार्क।
तो इसका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई बोलते हैं, यूएई की राजधानी है? शारजाह, दुबई, अजमान या अबू धाबी। ठीक ना, पहली बात तो एक कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वह छोटे छोटे 10 अमीरातों का एक संघ है और उसी को हमने नाम दे दिया संयुक्त अरब अमीरात। इसी के अंतर्गत आपका शारजाह दुबई भी शामिल है, तो दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आता है। पूछ रहा है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है, तो राजधानी कहां पर है, तो राजधानी हो जाएगी इसकी अबू धाबी। राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी इसकी अबू धाबी। राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी हो जाएगी इसकी अबू धाबी। ठीक ना, कहां पर इसकी राजधानी है, तो राजधानी आ जाएगी अबू धाबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि, जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनको हम कटीली वनस्पति कहते हैं। जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनके हम क्या आम नाम से जानते हैं, कटीली वनस्पति। तो पूछ रहा है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, अत्यधिक लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं और जिससे वे लंबी हो जाती हैं। चौथा है जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो 4 ऑप्शन है और आपको जल्दी से आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में आपको करवाया है, तो जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक ना, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। मरुस्थलीय पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे वर्षा कम होती है, और मैंने आपको बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि जब एक पौधा है जिसको वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, जिस स्थान पर वो है उसके जड़ को वहां पे पानी नहीं मिल रहा है, तो जड़ पानी की तलाश में क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। देखिएगा, जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। यदि आप इमेजिन करिएगा एक गमला है जिसमें पौधा लगा हुआ है, अगर उस गमले में आप डेली पानी डालते हैं तो क्या उसकी जड़ कहीं बाहर जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन एक पौधा है जो बाहर जमीन में कहीं लगा हुआ है जिससे कभी भी कोई पानी नहीं डालता है, तो उस पौधे की जड़ें पानी की तलाश में क्या हो जाएंगी, दूर दूर। यहां पर मरुस्थलीय पौधे से मतलब है कि ऐसी वनस्पति जो भारत में पाई जाती है और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, उसको हम नाम दिया जाता है मरुस्थलीय वनस्पति। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में क्या होती जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। जड़ें पानी की तलाश में क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आपको पढ़ाया है, एक साइड आपको क्या है, एक साइड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरी साइड उनसे संबंधित उद्योग दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेल नहीं है। डेट्रॉइट किसके लिए जाना जाता है, बोला है मोटर कार के लिए। क्यूबा एक देश है, किसके लिए जाना जाता है, चीनी के लिए। डोलुथ किसके लिए जाना जाता है, लो इस्पात उद्योग के लिए। और बेनिस जर्मनी का एक शहर है, किसके लिए जाना जाता है, पोत विमान के लिए, पोत निर्माण के लिए। तो पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेल नहीं है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, बेनिस। बेनिस जो शहर है वो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि मैं पढ़ा हूं डेट्रॉइट आपका जो है वो मोटर कार के लिए जाना जाता है, कनाडा में है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। डोलुथ सुपीरियर झील के किनारे है, यूएसए में। लो इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। तो वेनिस का मिलान सही नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, वेनिस। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। संसार में तांबा कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूछ रहा है कि संसार में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहां हो रहा है,
भंडार नहीं पूछ रहा है, उत्पादन कहां पर वर्तमान समय में तामा का प्रोडक्शन सर्वाधिक मात्रा में निकाला जा रहा है बाहर, चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जायरे। चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जायरे, कहां पर संसार में सर्वाधिक मात्रा में तामा आयस्क का क्या हो रहा है, उत्पादक देश है कहां, कौन सा? तो आपको इसका सही आंसर बताना है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हाँ जल्दी से आंसर दीजिएगा। चिली, बिल्कुल सही। अटकामा मरुस्थल है, अटकामा मरुस्थल है कहां पर? दक्षिण अमेरिका में, चिली देश में अटकामा मरुस्थल है। और अटकामा विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर अटकामा कॉपर तामा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कॉपर के लिए, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक साइड जनजातियां हैं या उस देश में रहने वाले लोगों के नाम हैं, दूसरी साइड देश का नाम है। एमू जनजाति जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, मसाई केन्या, पापुआंस न्यू गिनी, ठीक ना। तो आपको इसमें बताना सही, इसमें सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है, सुमेल नहीं है, सही सुमेल कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है ये पूछा जा रहा है। एमू जापान, उसमें दक्षिण अफ्रीका, मसाई केन्या और पापुआंस का न्यू गिनी। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही सुमेल नहीं है। हाँ चलिए हम बता देते, एमू जनजाति तो जापान में पाई जाती, सही बात है। बुशमैन, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना नाम है। कालाहारी कहां पर है? बुशमैन। कुछ विस्तार इसका दक्षिण अफ्रीका में भी है, लेकिन सही आंसर इसका जो होता है वो बुशमैन जनजाति के लिए बोत्सवाना देश जाना जाता है। तो बुशमैन कहां पर? बोत्सवाना। तो इसका सही सुमेल नहीं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा? बुशमैन। 12, क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? भारत देश में जनसंख्या के आधार पर घटते हुए सबसे पहले जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, घटते हुए क्रम में जनसंख्या का आपसे क्रम पूछा जा रहा है। तो जानते होंगे सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है भारत के, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है? भारत में। भारत में कौन से राज्य में है सर्वाधिक जनसंख्या? तो जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे आगे है। तो उत्तर प्रदेश जिसमें पहले में होगा वही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले पर है, बिहार दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत के राज्यों का जनसंख्या के घटते हुए क्रम में विस्तार यही होगा। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, बिहार दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर और पश्चिम बंगाल कौन से नंबर पर है? तो आपका पश्चिम बंगाल आपका चौथे नंबर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक? अब देश पूछ लिया गया, इनमें से कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो पहले तो हर किसी को याद रहते हैं विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन, दूसरा भारत। आपसे और पूछा जा रहा है बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया और जापान में, और कौन सा देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से इन चारों में सबसे आगे कौन सा है? हाँ तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, इंडोनेशिया। बिल्कुल सही बात, इंडोनेशिया। हमने आपको पढ़ा है इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप हैं, लगभग 12,000 के लगभग द्वीप हैं जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में फैले हुए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग भी यहीं रहते हैं इंडोनेशिया में। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक इंडोनेशिया होगा। बात करें अगर ब्राजील, तो ब्राजील, ब्राजील पांचवें नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पांचवें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी पांचवें नंबर पर है, ठीक ना। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, संसार का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। संसार का सबसे बड़ा देश है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर आपका रूस है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन सा आपका? चीन है। चौथे नंबर पर कौन सा? यूएसए है। पांचवें नंबर पर अभी बोला हूं मैं, ब्राजील है। छठे नंबर पे कौन सा है? तो छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे कौन सा है? तो सातवें नंबर पर अपना देश मेरा भारत महान है।
सातवें नंबर पर। अब कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा देश, तो इसमें एक ब्राजील ऑप्शन है, एक ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है, एक चीन ऑप्शन है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? चीन, चीन जो कि विश्व में तीसरे नंबर पर है, इन चारों में पहले नंबर पर हो जाएगा। तो इन चारों में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। और मान लीजिएगा इसी में पूछ लिया जाए जनसंख्या, तब भी चीन। जनसंख्या पूछा जाए तब भी चीन, क्योंकि चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तब भी पूछा जाएगा, तो तब भी आपका आंसर चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय चीन, अक्षय चीन यानी चीन में जो चला गया, चीन का भाग है, अक्षय चीन का भाग है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, तिब्बत का पठार। तो आपको से पूछ रहा है इनमें से कौन सा अक्षय चीन का भाग है, तो अक्षय चीन का भाग इसमें से है काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि तिब्बत और चीन तक फैली हुई है, इसी को हम अक्षय चीन का भाग बोलते हैं। तो अक्षय चीन का भाग इसमें से कौन सा है, तो अक्षय चीन का भाग है आपका काराकोरम श्रेणी, काराकोरम पर्वत। क्वेश्चन नंबर 17, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? आपसे पूछा जा रहा है चकमा एक शरणार्थी हैं और इन चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? ठीक है, चकमा एक शरणार्थी हैं जो एक दूसरे दूसरे देश में आते हैं शरण की तरह में, और जिस देश के हैं उस देश का नाम बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो चकमा नाम के जो शरणार्थी हैं उनका संबंध जिस देश से है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करना है, एक साइड आपके सामने परियोजना लिखी है और दूसरी साइड क्या लिखा है, एक साइड परियोजना और दूसरी साइड उससे संबंधित नदी का नाम है। चलिए मिलान कर देते हैं। तो पहली परियोजना है भागड़ा नागल बांध, और भागड़ा नागल बांध में पढ़ाया हूं आपको किस नदी पर है, सतलज नदी पर। दूसरा है हीराकुंड बांध, ये भी अच्छे जानते हैं महानदी पर। तीसरा इडक्कू परियोजना, इडक्कू परियोजना आपकी कहां पर है, तो पेरियार नदी पर है। अगला है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर आपका कहां पर है, तो आपका कृष्णा नदी पर है। तो पहले का सही आंसर, पहले का ऑप्शन हो जाएगा चौथा, दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और इसका पहला। तो 4-3-2-1 जिसमें भी आ रहे होंगे वो सही हो जाएगा, 4-3-2-1 ये आ रहा है, तो बी इसका सही हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसका बी हो जाएगा कि भाई भावड़ा नांगल हो गया आपका सतलज नदी से, तो ए का चौथा, हीराकुंड हो गया आपका महानदी पर, बी का तीसरा, इडुक्कू हो गया आपका पेरियार से, सी का दूसरा, और नागार्जुन होगा आपका कृष्णा से, तो डी का पहला, डी का पहला, तो ये सही आंसर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक चट्टान कौन सा है? भारत की उस चट्टान का नाम पूछा जा रहा है जहां से भारत इसको सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती हो, जहां से भारत को सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति हो रही। पहला कह रहा है कोड़प्पा तंत्र, दूसरा धारवाड़, तीसरा गोंडवाना और चौथा विंध्यन क्रम की चट्टान। पूछ रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन सा है? ऐसा एक आपको सिस्टम है, तंत्र का मतलब है, और कौन सी चट्टाने हैं जहां से सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कोड़प्पा या धारवाड़ या गोंडवाना या विंध्यन? तो सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक मात्रा में किसकी प्राप्ति होती है, तो खनिज की। ठीक है, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मिलाना है, एक साइड देश लिखा है, दूसरी साइड उससे संबंधित राजधानी लिखी है। एक साइड देश है, दूसरी साइड उसकी राजधानी है, मिलाते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, क्यूबा की राजधानी अभी बताए थे हवाना, किस लिए जाना जाता है क्यूबा, तो क्यूबा चीनी के लिए जाना जाता है। केनिया की राजधानी नैरोबी और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। देख लीजिएगा, एक का हो जाएगा दूसरा, क्यूबा का हो जाएगा पहला, केनिया का चौथा और जाम्बिया का तीसरा। तो सही आंसर होगा 2-1-4-3, 2-1-4-3, तो देखिएगा बी आंसर सही है 2-1-4-3, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2-1-4-3। ठीक है, अभी अभी 2 दिन पहले मैंने यही क्वेश्चन बताया था, फिर से मैंने यही क्वेश्चन इसलिए डाला है
देख सकूं, आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे। और जब मैंने पढ़ाया था, किसी ने ये कहा था कि मैंने पढ़ता हूं आपके कमेंट, पढ़ता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, कमेंट पढ़ता हूं, उसमें ये लिखा था सर खारी तो कैस्पियन है और लवण युक्त आप बॉन बता रहे हैं। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया, बॉन झील इसका होगा, बता दे रहा हूं बाबू। लवणता का मतलब होता है जहां पर, लवणता का मतलब जहां पर अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं, और लवण के अंतर्गत आपका NaCl है, MgCl2 है, KCl है, ठीक है, ये सारे। तो बाबू अगर खारे पानी की बात की जाए तो कैस्पियन है, और लवणता युक्त झील की बात की जाए तो पहले नंबर पे बॉन है आपकी, पहले नंबर पे बॉन, फिर मित्र सागर, फिर ग्रेट साल्ट लेक जो कि यूएसए में, देखिएगा पहले नंबर पे बॉन है, दूसरे नंबर पे मिर्थ है, तीसरे पे ग्रेट साल्ट झील है जो कि यूएसए में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉन। लवणता का लवणता पाई जाती है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि किस सागर में सर्वाधिक मात्रा में नमक पाया जा रहा है, यानी लवण पाया जा रहा है, NaCl, MgCl2, KCl, ठीक ना, इस प्रकार से। और अगर ये पूछा जाता है खारे पानी की झील बताइए सीधा सीधा, तो आप कैस्पियन बता देंगे निसंकोच, ठीक ना, दोनों अलग अलग हैं। तो उच्चतम लवणता पाई जाती है तो इसका नाम हो जाएगा झील बॉन या लेक बॉन, टर्की में है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, आपसे पूछा जा रहा है शीत समुद्री धारा कौन सी है। जलधाराएं जो होती हैं वो हमेशा याद रखिएगा, जलधारा हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो जाएगी वो गर्म होगी, और जो उच्च से निम्न आएगी वो आपकी ठंडी होगी। तो यूरोप का कम्बल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है कम्बल, कम्बल कब उड़ते हैं हम, कम्बल कम्बल, यूरोप का कम्बल गल्फ स्ट्रीम। तो पूछ रहा है शीत एक गर्म है, ठीक ना, गर्म है गल्फ स्ट्रीम, कौन सी शीत समुद्री धारा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। तो हम्बोल्ट या पेरोवियन जलधारा, हम्बोल्ट या इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं, या एक शीत धारा है, बल्कि सारी की सारी जो जलधाराएं हैं वो आपकी गर्म जलधाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी इन चारों में कौन सी गर्म शीत समुद्री धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है जहां से जहाज गुजरते हैं। ऑप्शन ए कील नहर जो कि जर्मनी में पढ़ाया हूं, पनामा नहर ए पढ़ाया हूं उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, सू नहर ए पढ़ाया हूं ये यूएसए में है, आपकी सुपिया झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है, सुज नहर ए भी पढ़ाया हूं भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, आपके सामने एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दीजिएगा आंसर, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, संसार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, सर्वाधिक मात्रा में यहां से जहाजों का आवागमन होता है। तो इन चारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजी नहर का नाम क्या है, आपका स्वेज नहर। कौन सी नहर है, स्वेज नहर। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है किस देश में, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में, कहां पर सर्वाधिक घनी खेती सघन खेती की जाती है। चार ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है इसका। हाँ जल्दी से बताइए, सर्वाधिक सघन खेती पाई प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान। जापान सीधी सी है, जापान है ही इतना सा, है ही इतना सा, आए दिन तूफान चक्रवात आते रहते हैं, गिर जाता है वहां पर, जानते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डिंग में खेती की जाती है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, प्रत्येक फ्लोर पर खेती जा रही है, इस प्रकार से ग्लास लगाए गए हैं कि एक पर सूर्य की किरण पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पर आ जाती है, इस प्रकार से वहां की टेक्नोलॉजी है। अगर पूछा जाता है संसार में सर्वाधिक सघन खेती कहां पर हो जाती है, निसंकोच जापान लगाइए, निसंकोच जापान, चीन नहीं होगा इसका, चीन नहीं है, जापान है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है, चीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह सर्वाधिक घना वसा हुआ देश है, यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश है, हांगहो नदी जिसको हमने पीली रिवर आपको बताया था इसका रंग पीला है, हांगहो नदी चीन का शोक है, शंघाई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, शंघाई शहर, शंघाई सहयोग संगठन नाम सुनोगे, शंघाई शहर इस उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, हांगहो नदी चीन का शोक कहलाती है। उसके बाद दिया गया है यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश है, यह सर्वाधिक घना वसा हुआ देश है। तो सही आंसर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है।
बिल्कुल सही, ए यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है, ए वाली बात इसकी गलत है, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है। बकाया तीनों ऑप्शन इसके बारे में क्या है, सही है। यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश है, हांगो नदी चीन का सूक कहलाती है, ये भी सही है, संघाई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, ये भी सही है। तो तीन आंसर जो है, सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश, हांगो नदी, संघाई, ये तीनों सही है, जबकि यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, यह बात क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है, ठीक ना। चलिए तो आज यही रखते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं। हाँ ये बोला हूं, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है यहाँ पे लिखा है, और मैं बोला हूं कि यह नहीं है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप लोगों की जो शिकायत है पीडीएफ की, आपकी बार से मैं नंबर भी डाल दिया करूंगा, पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड करा दिया करूंगा, ठीक ना। तो आज यही रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नमस्कार, गुड नाइट।